असम सरकार के विधानसभा में जुमा ब्रेक पर रोक लगाने के फैसले के बाद अब एनडीए में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। बीते दिन जेडीयू ने इस पर सवाल दागे थे और कहा था कि ये लोगों के हक छीनने का काम किया जा रहा है। इस बीच अब एक और पार्टी ने इस फैसले पर अपना एतराज जताया है। जेडीयू के बाद अब एक और पार्टी है और वो है एलजेपी रामविलास, जो कि खुद एनडीए का हिस्सा है। दिल्ली अध्यक्ष राजू तिवारी ने असम सरकार के फैसले पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। बिहार के दोनों सहयोगियों ने हाल ही में कोटा प्रावधानों का पालन किए बगैर केंद्र के लेटरल एंट्री सिस्टम पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने निर्णय वापस ले लिया। दूसरी ओर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक की प्रथा पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि शर्मा को गरीबी उन्मूलन और बाढ़ की जो रोकथाम है, ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, हिमंता बिस्वा शर्मा को गरीबी उन्मूलन और बाढ़ की रोकथाम जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया फैसला देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि असम की सरकार ने जुमा ब्रेक पर रोक लगाई और उसी को लेकर ये एतराज सामने आए हैं। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है, वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उनको अपनी राय, अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी, आपने शुक्रवार के दिन, रमज़ान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। यह बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में 2 घंटे के जो ब्रेक थे उसको बंद करने का फैसला लिया। शर्मा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह हिंदू और मुस्लिम विधायकों के बीच आम सहमति से लिया गया फैसला है, क्योंकि हमें इस अवधि के दौरान भी काम करना चाहिए। ये पूरा विवाद आखिरकार है क्या, आइए वो आपको समझाते हैं। आखिर सरकार का ऐसा कौन सा फैसला रहा जिस पर इतना फसाद हो गया? तो असम विधानसभा में एक नियम लागू था, नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। नमाज ब्रेक बंद करने पर विवाद, फैसले के खिलाफ उतरा विपक्ष और असम के स्पीकर ने बंद किया नमाज ब्रेक। 1937 से ही ये नियम चला आ रहा था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जब ये फैसला लिया, जब ये नियम लागू किया, तो उनकी ओर से कहा गया कि हमने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है, किसी को भी इस पर कोई एतराज नहीं है और अंग्रेजों के समय से चले आ रहे इस कानून को निष्क्रिय करना जरूरी था।